स्टैंडर्ड 9, इंग्लिश, कुमार भारती। 4.1 द पोएम, प्लीज लिसन। द पोएट इज अननोन। थ्रू दिस पोएम पोएट कन्वेज अ मैसेज टू पेरेंट्स दैट दे शुड लिसन व्हाट देयर चिल्ड्रेन आर टॉकिंग। लेट्स मूव टू द पोएम, प्लीज लिसन। व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड। यहाँ पे जो बोलने वाले जो है, नरेटर जो है, ही इज़ अ टीनेजर बॉय, टीनेजर लड़का है ये। तो ये टीनेजर लड़का जो है अपने पेरेंट्स के साथ में बातें कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि जब मुझे कुछ बोलना है तो आपको सुनना है, पेरेंट्स को बोल रहा है कि आपने मेरी बातों को सुनना चाहिए। और आप वो बातें सुनने के बजाय आप क्या करते हो, तो आप एडवाइसेस देना शुरू कर देते हो, आप एडवाइस देते रहते हो कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो ये जो है कि आपको वो करना है जो मैं चाहता हूँ, वो आप कर ही नहीं रहे हो। When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings। फिर से जो नरेटर जो है वो कह रहा है, वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को कह रहा है कि मैं जब आपको बोलता हूँ कि मेरी बातों को सुनिए, तो आप क्या करते हो, तो आप जो है कि आप सीधे सीधे बोल देते हो कि तुम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हो। जब आप ये बोलते हो कि मैं इस तरीके से क्यों नहीं सोचता हूँ, हर किसी की सोच अलग होती है। और आप जब ये बोलते हो कि तुम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हो, तो ऐट दैट टाइम यू आर ट्रैम्पलिंग माई फीलिंग्स। आप उस टाइम यू आर क्रशिंग माई फीलिंग्स अंडर द फीट। आप जो है कि मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हो, आप मेरी फीलिंग्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। अगेन द बॉयज और द नरेटर इज सेइंग, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, यू हैव फेल्ड मी स्ट्रेंज एज दैट मे सीम। फिर से वो नरेटर बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है कि जब मैं बोलता हूँ कि आप मुझे सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, तो आप मेरी बातों को सुनने के बजाय आप जो है कि काम पे लग जाते हो, आप मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लग जाते हो। मुझे आपसे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाना है, तो मुझे मेरा प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना है, आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, मेरी तरफ ध्यान देना है। तो आगे वो लड़का बोलता है कि जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स को, मेरे प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करते हो, तो जो है कि आप सीधे सीधे मुझे फेल कर रहे हो। मुझे जो है कि जो लाइफ में मुझे कुछ इन्हीं एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखना है, कुछ एक्सपीरियंस लेकर कुछ आगे जाना है, तो नहीं हो रहा है। उल्टा आप जो है कि मुझे रेडीमेड सॉल्यूशन दे देते हो, जिसकी जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि आपको मेरी बातों को सुनना है। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। आगे वो नरेटर जो है वो बोल रहा है कि सुनिए, प्लीज़ मेरी बातों को सुनिए, मुझे जो बोलना है वो उसको सुनिए। डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। आपको बोलना नहीं है, आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, मेरी तरफ आपको ध्यान देना है। एडवाइस इज चीप, 20 सेंट्स विल गेट यू बोथ डियर एबे एंड बिली ग्रैम इन द सेम न्यूज़पेपर। आगे वो बोलता है कि एडवाइस देना काफ़ी सस्ती बात है। एडवाइस जो है कि हर कोई उठता है और एडवाइसेस देते रहता है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय जो है कि लोग बेसिर पैर के जो है एडवाइसेस देते रहते हैं, और एडवाइसेस काफ़ी चीप होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, और तो 20 सेंट्स में मिल जाते हैं, कहीं पर भी मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बताया कि एबे एंड बिली ग्रैम, तो न्यूज़पेपर में कॉलम आता है 20 सेंट्स न्यूज़पेपर। मीन्स दिस इज़ अ रेफरेंस टू द कॉलम इन न्यूज़पेपर्स वेयर पीपल राइट अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड द कॉलमनिस्ट ऑफर्स एडवाइस। तो जो है कि न्यूज़पेपर में डियर एबे एंड बिली ग्रैम का कॉलम आता है, जिसमें लोग अपनी परेशानियाँ बताते हैं, अपनी तकलीफें बताते हैं, और एबे एंड बिली ग्रैम जो है उनको सजेस्ट करते हैं, उनको अच्छे अच्छे एडवाइसेस देते हैं ताकि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये नरेटर बोल रहा है कि उसको एडवाइसेस नहीं चाहिए, एडवाइस बहुत चीप है, हर कोई उठता है और एडवाइसेस देता है, तो मुझे एडवाइसेस नहीं चाहिए। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज एंड फाल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस।
लड़का आगे बोल रहा है कि मैं मेरे प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे मेरे प्रॉब्लम खुद को ही सॉल्व करने हैं, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो कुछ सिचुएशन मैं फेस कर रहा हूँ तो उसकी वजह से मैं डिस्करेज हो गया हूँ, या फिर आई एम फीलिंग फाल्टरिंग, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ कम हो गई है, या फिर कहीं तो भी मुझसे गलतियाँ हो रही है, ये मुझे भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हेल्पलेस हूँ, कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे नहीं है। तो आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, मैं मेरी तरफ से हर कोशिश करना चाहता हूँ। व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इनएडिक्वेसी। आगे नरेटर बोल रहे हैं कि जब आप मेरे लिए कुछ तो भी करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी परेशानियाँ, मेरा डर, मेरी इनएडिक्वेसी, मेरी इनसफिशियंसी जो है वो और आप बढ़ा रहे हो। आपके हेल्प करने की वजह से मेरा डर जो है कि कोई सिचुएशन को फेस करने का जो एक जो रहता है, हिम्मत जो रहती है, वो मेरी कम होते जा रही है, उसकी जगह डर ले रहा है। उसके साथ में मुझ में वो इनएबिलिटी आ रही है जिसकी वजह से मैं वो सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से वो बोलता है कि मुझे मेरे फियर और इनएडिक्वेसी को आप लोग बढ़ा रहे हो, इसलिए आपको सिर्फ सुनना है, मेरे लिए कुछ करना नहीं है। बट व्हेन यू एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट दैट आई फील व्हाट आई फील नो मैटर हाउ इरेशनल, देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू। लड़का आगे और उनको कन्विंस कर रहा है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है। वो ये कहता है कि आप इस सिंपल फैक्ट को जब एक्सेप्ट करोगे कि आपको क्या करना है, कि मेरी बातों को सिर्फ सुनना है, मैं जो कुछ फील कर रहा हूँ वो आपको भी फील करना है, नो मैटर हाउ इरेशनल, मे बी मेरी बातें इरेशनल हो सकती है, इलॉजिकल हो सकती है, उसको कोई बेस भी नहीं होगा, लेकिन जब आप मेरे फीलिंग को अपने फीलिंग समझोगे तभी मैं आपको कन्विंस करना छोड़ सकता हूँ। एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड एंड दिस इरेशनल फीलिंग। और जब ये काम पे लग जाऊंगा, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब ये इरेशनल फीलिंग भी जो है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। एंड व्हेन दैट्स क्लियर द आंसर्स आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस। और जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे, जो मेरी फीलिंग से जब वो आपकी फीलिंग हो जाएगी तब मुझे किसी भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं रहेगी। इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम। इरेशनल फीलिंग जो है उसका जो सेंस जो है वो तभी कम हो जाएगा जब उसके पीछे क्या लॉजिक है या फिर क्या रीज़न है, जब हम ये समझेंगे तो सीधे सीधे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सारी बातों में सेंस आ जाएगा, सारी बातें मीनिंगफुल हो जाएगी। तो ये इरेशनल फीलिंग भी जो है उसके पीछे का लॉजिक समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। Perhaps that's why prayer works sometimes for some people because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things. और इसीलिए कभी कभी सिर्फ प्रेयर ही काम करती है कुछ लोगों के लिए, सब के लिए जो है कि प्रेयर की वजह से ही काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज गॉड इज़ म्यूट, गॉड म्यूट है, तो गॉड जो है कि वो म्यूट रहता है, वो सिर्फ सुनता है, ही डजेंट गिव एडवाइस, वो कभी भी किसी को एडवाइस नहीं देता है। जितने भी दुनिया भर के लोग प्रेयर करते रहते हैं, गॉड सिर्फ उनको सुनता है, उनको एडवाइस देने का काम नहीं करता, और ट्राई टू फिक्स थिंग्स, और वो जो है कि सारी बातों को इधर से उधर सेट करने के पीछे भी नहीं लगता है, वो लोगों को उनके प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने देता है, पेरेंट्स के जैसे नहीं कि सिर्फ वो एडवाइसेस देना या फिर खुद ही उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, ऐसे गॉड नहीं करते। तो गॉड म्यूट रहते हैं, गॉड जस्ट लिसन्स एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ। भगवान सिर्फ हमारी बातों को सुनते हैं और हम लोगों को हम जिस तरीके से अपना काम करना चाहे उस तरीके से हमको करने देते हैं। सो प्लीज़ लिसन एंड जस्ट हियर मी। तो बच्चा फिर से स्ट्रेस देकर बोल रहा है कि अगर भगवान सुन सकते हैं, व्हेन ही गिव्स अस फ्रीडम, जब भगवान हमको फ्रीडम दे रहे हैं टू डू अवर वर्क, देन व्हाई आरंट यू, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो बोलते हैं, फिर से वो नरेटर बोल रहा है, वो लड़का बोल रहा है कि प्लीज़ लिसन, प्लीज़ आप मेरी बातों को सुनिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. और लास्ट में वो बोलता है कि अगर आपको बोलना है
कि मैंने अभी तक जो बोला है अगर आपको उसको आंसर देना है, अगर आपकी बोलने की इच्छा है तो एक मिनट के लिए रुकिए, जब आप बोलेंगे डेफिनेटली आई विल लिसन टू यू, मैं आपकी बातों को डेफिनेटली सुनूंगा, आपके जैसे नहीं कि एडवाइसेस देने का काम नहीं करूंगा, तो आपके मन में जो है आपकी फीलिंग्स जो है उसको मैं समझ लूँगा और अच्छी तरीके से आपकी बातों को सुनूँगा। सो parents should spare some time with children and listen them. This poem uses a free conversational style. This type of poem is known as the colloquial type poem. तो इस जो poem में conversation दिया है narrator जो एक teenage boy है और उसके parents के बीच में, तो इस type की poem को colloquial style कहा जाता है और इसीलिए parents ने कम से कम दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों को सुनना चाहिए। आई एम ऑल थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी, सो बी अ गुड लिसनर।